नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में नरक के 5 द्वार हैं, अर्थात 5 चीजें हैं जो व्यक्ति को पतन अर्थात नरक की ओर ले जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सुंदर हाथों से एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 1, अत्यधिक नींद की इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं जरूरत से अधिक सोने वाला व्यक्ति अपने जीवन के बहुत कीमती समय को नींद में गुजार देता है। संघर्ष करने की उम्र में चैन की नींद सोने वाला बाकी बचे जीवन में दुख उठाता है। नंबर 2, नारी और संतों का अपमान। कृष्ण कहते हैं नारी, बेबस व्यक्ति और संतों से किया गया छल व्यक्ति की बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। इस विषय में कहा गया है, नारी सताए 3 मिटे रावण कौरव कंस, संत सताए सब मिटे धन वैभव वंश। नंबर 3, वासना। श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी पर वासना से बड़ा कोई रोग नहीं है। पराई स्त्री की राह और अधिक धन की चाह रखने वाला व्यक्ति भी एक दिन नर्क के गर्त में चला जाता है। नंबर 4, क्रोध और बेलगाम जुबान। इस धरती पर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। ज्ञानी लोग कहते हैं क्रोध में लिया गया फैसला और खुशी में दिया गया वचन व्यक्ति के लिए जंजाल बन जाता है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति के अधिकतर फैसले क्रोध के वशीभूत होते हैं जो उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार बेलगाम जुबान भी आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देती है। नंबर 5, अधिक धन की इच्छा। अधिक धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख सपने में भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के धन के प्रति लालसा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह दिन रात सोते जागते सही गलत उचित अनुचित हर तरीके से केवल धन कमाना चाहता है, जिस कारण उसे रात को भी चैन से नींद नहीं आती और उसके जीवन में लेश मात्र भी सुख नहीं बचता। इसीलिए कहा गया है संतोष ही परम सुख है। वीडियो पसंद